हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत, आप सबका आपके चहेते सेक सेक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम अक्सर झिझकते हैं या फिर शर्माते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन इस एपिसोड्स के माध्यम से, छोटे छोटे एपिसोड्स के माध्यम से आप तक पहुंचाने की हम लोग कोशिश करते हैं। आज का जो टॉपिक हमने लिया है, उसका जो टाइटल मैं आपको बताऊंगा, धातु या सीमेंस के बारे में ये टॉपिक है। स्पर्म, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, स्वास्थ्य के लिए इस सीमेन के कैसे बेनिफिट्स है, ये हम आज देखने वाले। सर, जैसे मैंने अभी बताया कि ये बेनिफिट्स हम लोग देखने वाले, तो इन्फेक्शन के बारे में पहला सवाल करना चाहूंगा। हाँ। इन्फेक्शन रोकने के लिए ये जो स्पर्म या धातु हम लोग जिसे कहते हैं, करेक्ट, ये कैसे असरदार होता है या उसका असर कैसे होता है? डेफिनेटली, यहाँ पे प्रशांत जी, जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम बहुत साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक टॉपिक ले रहे हैं भाई आपकी डिमांड से। एक डिस्क्लेमर देता हूँ, टाइम प्लेस पर्सन कंडीशन कल्चर सेफ्टी कंसेंटिंग अपना ओन और नोन पार्टनर उसके साथ ही आज माना है। ये सीमेन या धातु जो बॉडी से निकलता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बॉडी का है। इसमें स्पर्म्स है जो भाई प्रजनन शक्ति बढ़ाते हैं, 200 प्रोटीन्स है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। अभी आपके सवाल पे आता हूँ, एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी इन्फेक्शन। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या रहता है, ये जो प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन में एक कैपेसिटी रहती है कि भाई उसका इन्फ्लेमेशन कम करे। लेकिन कब काम में आएगा? म्यूकोजा के कांटेक्ट में, जब ये सीमेन आएगा जो नॉन इन्फेक्टेड है, अपने पार्टनर के म्यूकोजा वजैनल हो या ओरल कैविटी का हो, वहाँ से एब्सॉर्ब होके ये जो प्रोटीन्स है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये जो कुछ ग्रोथ फैक्टर्स है, ये जो सब एजेंट्स है, वहाँ का दाह, इन्फ्लेमेशन, इंजूरी, किस प्रकार का रेडनेस, स्वेलिंग और मीनिंग में इन्फेक्शन, यानी फीमेल्स में जो वजाइनाइटिस होता है, डिस्चार्ज होता है, स्मेल आता है, ये तरह की पूरे प्रॉब्लम्स इसकी वजह से सॉल्व होते हैं। भाई कंडोम यूज़ करते जा रहे, कब सीमेन का टच ही नहीं हुआ, कैसे वहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल होगा और कैसे वहाँ पे स्ट्रेंथ आएगी? तो फ्रेंड्स, ध्यान में रखो, ओन पार्टनर नॉन इन्फेक्टेड उसमें ही काम आएगा, नहीं तो HIV करके छोड़ देगा आपको। बिल्कुल सर, आयुमान बढ़ना, यस, और सीमेन धातु, करेक्ट, इसका कैसे रिलेशन? आपको लगता है किधर ए सी मैंने, किधर आयुमान का? जी बिल्कुल, स्पर्मिडिन। स्पर्मिडिन एक ऐसा घटक है हमारे सीमेन के अंदर। ये स्पर्मिडिन क्या करता है, ये स्पर्मिडिन वहाँ पे जो बॉडी की उसकी डेवलपमेंट है, नर्व की डेवलपमेंट है, नए नर्व्स तैयार होना है, बराबर, ऑटोफेगोसाइटोसिस, यानी हमारी बॉडी के सेल जब डेथ होती है तो उसको किसने तो भी खाना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। ये काम करता है स्पर्मिडिन। जेनेटिक फैक्टर, यानी जेनेटिक इंडिकेशन जो डिसाइड होते रहते हैं, ये होते हैं स्पर्मिडिन से। तो इतने अच्छे फैक्टर इसके अंदर है जो उसका नर्व बढ़ाने में, ब्रेन की शक्ति बढ़ाने में, बाद में जेनेटिक कॉन्फिगरेशन आपका बनाने में काम में आते हैं। तो इसकी वजह से डेफिनेटली आपका आयुमान, लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल और क्वालिटी लाइफ डेफिनेटली बढ़ जाता है। बिल्कुल सर, एक कॉल है हमारे, sure. दर्शक हमारे साथ है, लेते। घनश्याम जी है मथुरा से, उनका कॉल है। घनश्याम जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो सर, धातु की टेस्ट कैसी होती है और खाने पीने से वो बदलती है क्या?
देखो टेस्ट भी रहती है क्या रहती है भाई, ये साइंस है, साइंस पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो धातु का जो स्मेल है थोड़ा सा फाउल स्मेल रहता है, जैसा एग रहता है बॉइल करने के बाद, वो टाइप से उसका स्मेल है। अभी टेस्ट कैसी रहती है, टेस्ट बहुत बार सॉल्टी या बिटर टेस्ट रहती है धातु की। और उनका कहना है भाई ये टेस्ट में कुछ बदलाव आता है क्या, डेफिनेटली आता है। आपको पता है समझो जब आप ओनियन खाते हो, लहसुन खाते हो, तो मुँह से आती है स्मेल, तो उसी प्रकार की लहसुन है, गार्लिक है, सेलरी है, ये खाने के बाद जो भी आप खाओगे भाई वो ये स्ट्रैट फिल्टर में आएगा भाई। अच्छी चीज़ें आप खाओगे कुछ तरह से तो अच्छी स्मेल आएगी, और वहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रोटीनी स्मेल आप खाओगे, कोई नॉन वेज पार्ट है या कोई और नॉन वेज या वेजिटेरियन में भी कुछ समझो अलग से कुछ एलिमेंट है जो खुद को स्मेल देते हैं, वही स्मेल चाहे फ्रूट हो या कोई सब्जी हो या कोई नॉन वेज का फैक्टर हो, वही स्मेल सीमेन को भी आता है और उसकी टेस्ट भी बदलती है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। और एक समस्या आपको मैं पूछना चाहूंगा, सोसाइटी की आम समस्या है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, डेफिनेटली बाल गिरना, हेयर लॉस जिसे हम लोग करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये जो हेयर लॉस की जो समस्या है इसका और धातु का क्या सीमेन का कुछ रिलेशन है, है क्या जी? देखो इसमें ऐसा रिलेशन भाई, जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बन रहा है, अब हम हेयर की बात कर रहे हैं, वैसे फेस है कुछ जो भी कॉस्मेटिक बनता है ना उसके अंदर स्पर्मिडिन रहता है। अच्छा। और वो प्रोसेस रहता है, प्रोसेस यानी एक्चुअल सीमेन में जो घटक है उसको प्रोसेस करके जो बनाया जाता है, वो क्या करता है तुम्हारे हेयर की क्वालिटी है, हेयर की लेंथ है, हेयर की थिकनेस है, और क्या करता है जो रूट्स है, ये स्पर्मिडिन क्या करता है हेयर के रूट्स को स्ट्रांग बनाता है, और स्ट्रांग बना के उसे उसकी ग्रोथ हेल्दी हो जाती है, जैसे स्टेम सेल के जैसे काम करता है, ये ग्रोथ फैक्टर उसके अंदर रहता है। तो बहुत बार आप बोलोगे भाई उसका मसाज करोगे हेड में, करते हैं रहते हैं ऐसे सॉल्यूशन, लेकिन ये प्रोसेस किए वाला स्पर्मिडिन, और इमेजिन करो नेचुरली आपको मिलता होगा तो डेफिनेटली हेयर की हेल्थ में, स्किन की हेल्थ में काम आता है। बिल्कुल सर। और एक सवाल करना चाहूँगा, सेक्स ड्राइव हम लोग जानते हैं, तो सेक्स ड्राइव पर ये सीमेन का कैसे असर होता है, डेफिनेटली क्या असर होता है? डेफिनेटली श्योरली। अभी मेरे पास कंप्लेंट थे भाई सर कुछ इच्छा ही नहीं रही, तो कभी करने का मन ही नहीं कर रहा है। अरे भाई कंडोम लगा लगा क्या आप कर रहे हो, कभी सीमेन का टेस्ट ही आया नहीं आपको, तो कैसे क्या होगा? ये सीमेन में था टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है मेल में भी रहता है फीमेल में भी रहता है, वही आपकी इच्छा तैयार करता है और वही आपका रेजिस्टेंस बढ़ाता है। जब ये सीमेन जो भी म्यूकोजा भाई ओरल हो या वजाइनल हो वहाँ से वो एब्सॉर्ब हो जाएगा, तो उसी वक्त उसका टेस्टोस्टेरोन की लेवल अच्छे रखने में, मात्रा बढ़ाने में काम में आता है। तो डेफिनेटली ये सीमेन जो है एब्सॉर्ब होने के बाद म्यूकोजा से आपका सेक्स ड्राइव यानी सेफ की इच्छा और लिबिडो श्योरली बढ़ाता है। सर फीमेल कॉल लेंगे, श्योरली हमारी एक दर्शक है। अच्छा। तेलंगाना से शोभा जी, देखते उनका सवाल है। शोभा जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। नमस्ते, बोलो। सीमेन या धातु में कितने कैलोरीज होते तो जानकारी दीजिए। ऐसा भी होता है? बिल्कुल, कैलोरीज डेफिनेटली रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे भाई? आप समझो इसका कंटेंट देखोगे, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा हूँ मैं आपको, तो कभी उसके ऊपर स्टडी की नहीं भाई, ऐसे ही निकल रहा है सीमेन, हो रहा है बच्चा, बाद में किसने देखा उसका क्या होता है, ऐसा नहीं है। बॉडी ने खुद को अपना संवर्धन या प्रोटेक्शन करने के लिए उसको बनाया है, 200 प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट्स है उसके अंदर, सब प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट है, ग्रोथ फैक्टर्स है। तो कितने कैलोरीज होते हैं, 5 से 7 कैलोरीज रहती है, और उसे हमें यूटिलाइज करना है वो कैलोरी को। तो कैसे यूटिलाइज करेंगे, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करके, नॉन इन्फेक्टेड अपने नॉन पार्टनर से, और उसके बाद ही एब्सॉर्ब होने के बाद आपको एक कैलोरीज मिलेगी और आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा और आपका फ्रेशनेस मेंटेन रहेगा। सर ऐसा कहा जाता है कि प्री एक्लाम्शिया रोकने में धातु का स्पर्म का बहुत बड़ा रोल होता है, तो पहले तो ये बताएं कि ये प्री एक्लाम्शिया क्या होता है, और दूसरी बात ये कैसे उसका रोल है। आप भी काफ़ी स्टडी करके आते हो। बिल्कुल। जब प्रेगनेंसी रहती है, जब दिन जाते पेट से रहते हैं, वहाँ पे एक कंडीशन फीमेल में तैयार होती है भाई, जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है, सूजन आती है चेहरे के ऊपर, बॉडी के ऊपर बीपी बढ़ना है, बहुत बार डायबिटीज होता है और एबॉर्शन के चांसेस होते हैं। तो ये प्री एक्लाम्शिया समझो रोकना है, कम करना है, इसके ऊपर एक स्टडी हुई है।
समझो किसी भी कारणवश वजन हो या अदर रूट से सीमेन जब एंट्री करता है तो उसके अंदर एंटीबॉडीज तैयार होते हैं, और जो स्पर्म भी जब अंदर जाता है मेल का, वो प्रोटीन रहता है वो भी एंटीबॉडी बनाते हैं, दोनों के अंदर चालू हो जाता है द्वंद्व, तो ये एंटीबॉडीज उसको बनने नहीं देता है। ये हो गया एक फैक्टर। दूसरा हो गया ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। ये ऐसा फैक्टर है भाई जो क्या कर रहा है, ये बीपी नहीं बढ़ने देगा, ये एंटीबॉडीज की रिएक्शन नहीं होने देगा, और डेफिनेटली ना सूजन है ना ब्लड प्रेशर है। और इनफैक्ट एक ऐसी स्टडी हुई है, ये यहाँ पे क्या करता है भाई, प्रेगनेंसी भी अच्छी तरह से 9 महीने तक बच्चा अच्छा हेल्दी रखने के लिए भी काम में आता है। और ऐसे केसेस में ये जो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर रहते हैं भाई, वो बच्चा भी जो है ना उसका ब्रेन बहुत ब्रिलियंट और अच्छा बन जाता है। ये सबसे बड़ा फायदा है इक्लाम्शिया में सीमेन का। सर ऐसे कहा जाता है, आखिरी सवाल है, श्योर, ऐसे कहा जाता है कि फर्टिलिटी बढ़ाने में ये स्पर्म का बहुत बड़ा रोल है। श्योरली, इसके बारे में जानना। डेफिनेटली, अब यहाँ पे एक चीज़ बोलता हूँ भाई, सीमेन है वो डिपॉजिट हो गया, उसके अंदर स्पर्म है, सीमेन क्या करता है, उसको खिलाता पिलाता भाई, नर्सिंग करता है उसका, लेकिन उसी के साथ ये सीमेन के अंदर जो स्पर्मिडिन फैक्टर है, ये प्रोटीन फैक्टर है उसके अंदर, ये फैक्टर उसको भगाते हैं अंडाशय, यानी ओवुलेशन भी इंड्यूस करता है। यानी आपको लगता होगा भाई फीमेल में डिपॉजिट हो गया सीमेन, और वो स्टिमुलेट करके ओहरी का वहाँ पे जो अंडकोश बोलते हैं वहाँ से अंडाशय आता है ट्यूब में, और यहाँ से स्पर्म जाके वहाँ पे फर्टिलाइज होता है, तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इतने बड़े फायदे है अपने वो नॉन और नॉन इन्फेक्टेड पर्सन से, हमेशा मैं बोलता हूँ उसका कारण ये है, इसे यूटिलाइज करो साइंटिफिकली और अपना निजी जीवन सुखी रखो। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी थी, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो अभी आपके स्क्रीन पर डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल है, सर की वेबसाइट है, कहीं पर भी आप डॉक्टर साहब को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का बहुत ही पॉजिटिव तरीके से समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होने वाली है, तब तक के लिए शुक्रिया।